हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एरर एक ऐसा चैप्टर जो अगर आपको नहीं पता तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स है रियल लाइफ में भी और अकाउंटिंग के कंसेप्ट में भी और एग्जाम में भी। क्यों सर? क्योंकि एग्जाम में एक तो ये लगभग 8 से 10 नंबर का पेपर कवर करता है, पहला बात। दूसरा इम्पोर्टेंट बात, रेक्टिफिकेशन आपको वो लॉजिक देता है कंट्रोल करने का अकाउंट्स को, कि आपका क्या करेक्ट चीज होना चाहिए था और रॉन्ग क्या है और उस रॉन्ग को कैसे ठीक करें। तो गलती तभी पकड़ पाओगे जब आपको करेक्ट पता है, यही है रेक्टिफिकेशन का काम। सर थियोरिटिकली भाई कुछ काम का बात इसमें हाँ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पहला तो ये बात करता है कि स्टेजेस कब कब तुम एरर को पकड़ते हो। स्टेजेस ऑफ एरर क्या है? स्टेजेस ऑफ एरर, तुम तीन वक्त में गलतियां पकड़ सकते हो, जो सुधार सकते हो जहां पे गलती हो। एक, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, मतलब बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस अभी बना नहीं है, अभी सिर्फ जनरल एंट्री पास हुआ, लेजर में पुट हुआ है और गलती पकड़ ली अंदर, तो उसको कैसे सुधारेंगे? ट्रायल बैलेंस बन चुका लेकिन फाइनल अकाउंट अभी नहीं बना है, तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट, यानी ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट आपका नहीं बना है। और तीसरा है आफ्टर फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस बनने के पहले गलती पकड़ ली है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, लेकिन फाइनल अकाउंट बनने के पहले पहले गलती पकड़ ली है, और फाइनल अकाउंट भी बन चुका उसके बाद गलती पकड़े। तो ये तीनों टाइम जब गलती पकड़े तो सुधारे कैसे? अब हर एक स्टेज में दो टाइप ऑफ एरर है, टाइप ऑफ एरर दो टाइप का है, सिंगल साइडेड या डबल साइडेड। सिंगल साइडेड एरर या डबल साइडेड एरर, यहां पर भी वही है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट, सिंगल साइडेड या डबल साइडेड। और यहां पर भी वही, आफ्टर फाइनल अकाउंट, सिंगल साइडेड एरर या डबल साइडेड एरर। सर ये सिंगल साइडेड एरर डबल साइडेड एरर क्या होता है, किसी को कोई आइडिया कोई बोल सकता है ये सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर का मतलब क्या हो सकता है? ट्राई करो गलती होने दो, जो दिमाग में आए बोलो। सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर क्या होता है? पहला बात, यहाँ पे कैशबुक और पासबुक मिलाने का बात नहीं कर रहे, वो बीआरएस था, बीआरएस हो गया बेटा, बीआरएस का बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बात कर रहे हैं, बैंक से यहाँ कोई बात नहीं हो रहा है। कोई और कुछ बोलना चाह रहा था बोलो, कोई और कुछ ट्राई कर रहा था बोलो बोलो। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो बेटा जी, अकाउंट्स में तुम लोग एक चीज तो सीखे ही हो, अगर हम कोई जर्नल एंट्री करता है उसका दो लेजर में इम्पैक्ट होगा, डबल साइडेड, डबल कंसेप्ट या डबल, क्या बोलते हैं उसको, डबल एंट्री कंसेप्ट, सॉरी डबल एंट्री कंसेप्ट हम लोग का अकाउंट का मेन एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। हाँ जी ना, तो बेटा जी डबल एंट्री कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, कि अगर हम एक एंट्री करें परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हम परचेज का भी लेजर खोले और कैश का भी लेजर खोलेंगे। परचेज में हम टू कैश लिखेंगे, डेबिट साइड में अमाउंट लिख देंगे, और कैश में हम बाई परचेज लिख के क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख देंगे। यही तो होता है डबल एंट्री कंसेप्ट, मतलब एक एंट्री मेरा दो लेजर को इम्पैक्ट या दो से ज़्यादा लेजर को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर यही मान लो हमको कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट, मान लो हम डिस्काउंट भी दिए हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट,
तू मान लो मिस्टर एक्स से पैसा मिले, तो मान लो 1000 रुपया कैश मिले, 200 रुपया डिस्काउंट दियो, 1200 रुपया मिस्टर एक्स, तो इसका कितने लेजर में इम्पैक्ट पड़ता? 3। एक तो सर हम बनाते कैश अकाउंट, जहां पे हम क्या लिखते 2x 12,000। फिर सर आप बनाते डिस्काउंट अकाउंट, जहां पे आप लिखते 2x 200। और तीसरा आप बनाते सर एक्स अकाउंट, जहां पे आप लिखते बाय कैश बाय डिस्काउंट 1000 और 200। यही करते हैं ना आपने, सबको इस बात पे, सबको इस बात पे एकदम एग्रीड एंड क्लियर? तो बेटा जी सिंगल साइडेड मतलब सर कोई एक लेजर में लिखने में गलती हो गया, और डबल साइडेड मतलब दो लेजर में इंपैक्ट हुआ, दो लेजर में गड़बड़ हुआ, उसको बोलेंगे डबल साइडेड एरर। और सिंगल साइडेड मतलब एक लेजर में एरर हुआ। हम कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट में ठीक ही लिखा, एक्स अकाउंट में लिखना भूल गया, ये सिंगल एरर है कि डबल एरर? सिंगल, वेरी गुड। और सर आप कैश अकाउंट में तो लिखे बट डिस्काउंट और एक्स दोनों में लिखना भूल गए, डबल साइडेड एरर? 3 में ही लिखना भूल गए, तीनों में गलत साइड में लिख दिए। कैश में किधर लिखना था? डेबिट में, तुम गलती से कैश के क्रेडिट में लिख दिए। डिस्काउंट अकाउंट में भी लिखना था डेबिट में, तुम गलती से क्रेडिट में लिख दिए, कैश में ठीक लिखी हो, सॉरी एक्स में ठीक लिखी हो, एक्स में ठीक लिखी हो, कैश और डिस्काउंट में लिखना गलती कर गए, डबल साइडेड एरर, दोनों अकाउंट के रॉन्ग साइड में लिख दिए, है ना? दो अकाउंट में मिस्टेक हुआ, दो अकाउंट गलती हो गया सर आपका। कैश के भी डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दिए हैं, और डिस्काउंट के भी डेबिट में लिखना था क्रेडिट में लिख दिए हैं, माने आप दो अकाउंट में ब्लंडर किए हैं। तो ये सिंगल और डबल का कंसेप्ट क्लियर है? तो हम लोग अब तक क्या पढ़ लिया सर? सर आप गलती को पकड़े कब और वो किस टाइप का है? बेसिक बात यही सीखी हम लोग अब तक, गलती को कब पकड़े और वो सिंगल एरर है कि डबल एरर है। सर आप ट्रायल बैलेंस बनने के पहले गलती पकड़े कि फाइनल अकाउंट बनने के पहले गलती पकड़े कि फाइनल अकाउंट बनने के बाद गलती पकड़े? और जो भी गलती पकड़े वो एक साइड में हुआ कि दो अकाउंट में गड़बड़ हुआ, सिंगल साइडेड है कि डबल साइडेड है? अब तक हम लोग यही बात सीखे, इस बात पे किसी का कोई क्वेश्चन है? इस बात पे किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है। अब सर इनको सुधारेंगे कैसे? अब हमको ये सीखना है सर, गलती आप पकड़ तो लिए, गलती को सुधारेंगे कैसे? तो बेटा जी आप वही बात बताते हैं, बस फिर प्रैक्टिकल सम करना है, इसके बाद एक थ्योरेटिकल बात पढ़ना है, जो पहले प्रैक्टिकल सम सीखने के बाद पढ़ेंगे, तब वो तुमको बच्चा वाला बात लगेगा वो थ्योरी। सर अगर आप ट्रायल बैलेंस बनने के पहले सिंगल साइडेड एरर पकड़े, इसका कोई एंट्री नहीं होता, इस गलती को सुधारने का कोई एंट्री नहीं होता। अगर आप सिंगल साइडेड एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस पकड़े, ट्रायल बैलेंस बनने के पहले आप गलती पकड़ लिए, वो भी सिंगल साइडेड एरर, तो कोई जनरल एंट्री नहीं होता। एक स्टेटमेंट लिखते हैं खाली, क्या लिखते हैं सर? एक स्टेटमेंट लिखते हैं, कैसे? चलो एक एग्जांपल देते हैं। हम गुड्स बेचा, गुड्स सोल्ड 2y ऑन क्रेडिट ₹50,000, 50,000 रुपया का सामान y को बेचे हैं उधार में, तो बेटा जी बोलिए एंट्री क्या होगा? एंट्री क्या होगा? वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सर आप वाई का अकाउंट में तो टू सेल्स एकदम सही लिखे 50,000 रुपया,
लेकिन सेल्स अकाउंट में लिखना भूल गए, सेल्स अकाउंट में लिखना भूल गए। ये सिंगल साइडेड एरर है, एक अकाउंट में गलती हुआ है खाली। सर पकड़े कब? ट्रायल बैलेंस बनने के पहले पकड़ लिए थे। सर कोई जनरल एंट्री मत कीजिए, बस सेल्स अकाउंट में जिधर में अमाउंट लिखना भूले हैं वहां लिख दीजिए। और एक स्टेट एग्जाम में क्या करके आएंगे सर? ऐसे अकाउंट बना के थोड़ी लिख के आएंगे, एग्जाम में एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट नाउ टू बी क्रेडिटेड। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था ना, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना था ना। लिखना भूल गए मतलब अंडर कास्ट बोलते हैं। ये अंडर कास्ट और ओवर कास्ट क्या होता है? सर अंडर कास्ट मतलब कम लिख दिए, ओवर कास्ट मतलब ज्यादा लिख दिए। अंडर मतलब कम, ओवर मतलब ज्यादा। अंडर कास्ट मतलब कम लिख दिए। सर यहाँ कितना कम लिख दिए? 50,000 पूरे ही कम लिख दिए सर, लिखे ही नहीं मतलब जीरो लिखे, तो 50,000 रुपया कम लिख दिए मतलब। तो सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट है, अब उसको क्रेडिट करना होगा 50,000 से। ये एक स्टेटमेंट लिख के आ जाएंगे कि सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट नाउ टू बी क्रेडिटेड ₹50,000। अगर तुम्हारा अकाउंटेंट यहाँ ये गलती करता बेटा, गुड सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट ₹50,000, वो वाई में तो डीड लिखा 50,000, सेल्स में 50,000 की जगह 5,000 लिख दी, लिखा है क्रेडिट साइड में लेकिन एक जीरो कम लिख दिया। बोलो सिंगल एरर की डबल एरर? सिंगल एरर। तो बेटा जी अब एक बात बताइए, कितना रुपया कम लिख दिया? वो कम लिख दिया कि ज्यादा लिख दिया? कम लिख दिया 45,000 रुपया, कम लिख दिया ना 45,000 रुपया। तो कैसे सॉल्व स्टेटमेंट क्या लिख कराओगे? सर सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट नाउ टू बी क्रेडिटेड ₹45,000, यही तो लिख क्या होगी? गलती से कम लिख दिया है, अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे 45,000 से, मतलब 5 लिखा है हम 45 और लिख देंगे, अकाउंट मैच हो जाएगा। सर अगर ज्यादा लिख देता तो क्या करते? चलो वो भी एंट्री ले लेते। तुम्हारा अकाउंटेंट इसी एंट्री में वाई अकाउंट में तो ठीक लिखा टू सेल्स 50,000, लेकिन सेल्स अकाउंट में क्या किया? सर वो क्रेडिट साइड में 50,000 की जगह 55,000 लिख दिया गलती से, ज्यादा लिख दिया ना ज्यादा। क्या बोलेंगे, अंडरकास्ट की ओवरकास्ट? क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट। अब कैसे गलती सुधारें? सोचो सोचो, ये पकड़ लिया तो सिंगल साइडेड रहेगा, झमेला ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। कैसे गलती सुधारें? वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट नाउ टू बी डेबिटेड बाय ₹5,000, ये लिख के आ जाओगे ना कि सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट हो गया है, अब हम 5,000 रुपया से उसको डेबिट कर देंगे। क्लियर है ये बात सबको? चलो इसी क्वेश्चन को और ट्विस्ट करते हैं, अब थोड़ा और मजेदार बनाते हैं क्वेश्चन को और आपका कंट्रोल को चेक करते हैं। मेरा अकाउंटेंट गुड सोल्ड टू वाई 50,000, वाई में तो ठीक लिखा, एक्स में गलती से डेबिट साइड में लिख दिया है 50,000। एक्स में सेल्स में किधर लिखना था? सॉरी एक्स में बोल रहे हैं, सेल्स में किधर लिखना था? क्रेडिट में। मेरा अकाउंटेंट लिख कहाँ दिया? डेबिट में। क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट के अंडरकास्ट। हाँ सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट, क्योंकि क्रेडिट में लिखना था, लिखा ही नहीं है तो अंडर कास्ट है सर। सेल्स अकाउंट अंडर कास्ट
या यू भी लिख सकते थे रॉन्गली डेबिटेड, सेल्स अकाउंट अन्य कार्ड भी लिख सकते थे, या फिर सेल्स अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड. नाउ वी शुड क्या लिखे, क्रेडिटेड. रुपया कितना लिखे, गलती बेटा जी, वो 50 लिखा नहीं, वो तो लिखो गया ही, और ये जो गलती से डेबिट कर दिया वो भी तो कैंसिल करने के लिए एक और 50 लिखना पड़ेगा. सोचो, क्योंकि बेटा जी अगर तुम खाली 50 लिखते, देखो एक बात समझ में आराम से, ये वाला बात जिनको नहीं समझ में आराम से सुनना, अगला 2 मिनट में बड़ा मजेदार बात सीखोगे. तुम्हारा अकाउंटेंट अगर सही सही लिखा होता तो तुम यहाँ 50 लिखते, बाय बाय लिख के, फिर क्या करते, यहाँ 2 बैलेंस सीडी करते 50,000, और बाद में यहाँ 2 बैलेंस बीडी करते 50,000. यही करते ना, अकाउंट कैसे बनता है, अकाउंट ऐसे ही क्लोज करते. यानी तुम्हारा सेल्स अकाउंट में किधर बैलेंस बचता, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि जो बीडी लिखते हैं वही मेरा मेन वॉल्यूम बैलेंस होता है. ट्रायल बैलेंस बनाते समय सेल्स अकाउंट लिख के 50,000 डेबिट क्रेडिट में लिखते कि नहीं लिखते, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है सेल्स का, अगर सही सही होता तो. लेकिन तुम्हारा अकाउंटेंट क्या किया, वो महाराज मेरे से अकाउंट पढ़ा नहीं था, कहीं और ट्यूशन लिया था. तो वो क्या किया सर, वो डेबिट में 50 लिख दिया. अब बेटा जो आप आंसर किया, अगर हम लोग वही करते, आप क्या आंसर किए थे, 50,000 क्रेडिट में लिख दीजिए, तो ये तो बहुत सारे मैच हो जाता है ना. अगर तुम सिर्फ 50 क्रेडिट में लिख देते जो वो भूल गया, तुम कर देते तो बेटा जी बहुत सारे तो मैच हो गए, 0 हो जाता है, कोई बैलेंस बचता क्या. तो तुम्हारा मिस्टेक सुधरा कि सर गलती तो अभी भी रह गया, क्योंकि सेल्स में 50,000 का बैलेंस सीढ़ी होना चाहिए, वो नहीं हो रहा. इसीलिए अब तुम क्या करोगे, पहले जो लिखना भूला वो लिखिए सर, और जो एरर हो गया वो ठीक करने के लिए भी वो कीजिए. अब देखो इधर कितना आ रहा है, टोटल क्रेडिट साइड में 100, डेबिट में 50, तो 2 बैलेंस सीढ़ी 50 होता, और यहाँ 2 बैलेंस बीडी, अपने आप ही 50 आ जाए. बात क्लियर, तो ये बात आपको समझना बहुत जरूरी था. सिंगल साइडेड एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस, क्लियर है. यही होगा, एक अकाउंट में लिखना भूल गया, या ज्यादा लिख दिया, या रॉन्ग साइड में लिख दिया. देखो सिंगल साइडेड एरर 3 टाइप का हो सकता है. लिखना भूल गया माने ओमिशन, मतलब छूट गया, ओमिट हो गया, मिस हो गया, मिस, या फिर रॉन्ग अमाउंट, ज्यादा लिख दिया या कम लिख दिया. और तीसरा क्या हुआ सर, रॉन्ग साइड, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया. ये 3 टाइप का सिंगल साइडेड एरर हो सकता है. लिखना भूल गया मतलब मिस हो गया, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, या फिर रॉन्ग साइड लिख दिया. मेरा बात क्लियर. अब तीनों में कैसे सुधारे सर, लिखना भूल गया तो बोलेंगे अंडरकास्ट एंड नाउ वी विल राइट इट. ज्यादा लिख दिया तो वी विल, जैसे यहाँ पर वही ज्यादा लिख दिया क्रेडिट साइड में, तो क्या बोलेंगे ओवरकास्ट, तो रिवर्स लिख देंगे, नाउ वी विल डेबिट इट. और अगर डेबिट में ज्यादा लिख दिया तो क्रेडिट इट. और सर रॉन्ग साइड में लिख दिया है तो सर अगर डेबिट लिखना था तो वी विल क्रेडिट इट विद डबल अमाउंट, विद डबल अमाउंट. यही 3 चीज सीखी हम लोग, हम समरी बोल दिया एक बार में. अब आओ बेटा जी बाकी एरर्स पे. सर अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस डबल साइडेड एरर है, बिफोर ट्रायल बैलेंस डबल हो, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस डबल हो, या आफ्टर फाइनल अकाउंट डबल हो, तीनों का ट्रीटमेंट एक ही जैसा होता है, जो अभी सीखेंगे. अभी सीखे नहीं है बट केवल ब्रेन में एक समरी बना रहे हैं,
कि डबल कोई सा भी हो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट, बिफोर ट्रायल बैलेंस, जो भी डबल वाला एरर है उनको सॉल्व करने का सेम तरीका होगा। और जो भी अब और क्या बच गया सर, आफ्टर ट्रायल बैलेंस सिंगल साइडेड और आफ्टर फाइनल अकाउंट सिंगल साइडेड, ये दोनों को भी सॉल्व करने का एक ही तरीका होगा, सस्पेंस अकाउंट के मदद से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे, सस्पेंस अकाउंट की मदद से। तो तीनों का सिंगल के लिए बोलो, बिफोर ट्रायल बैलेंस सिंगल साइडेड क्या करेंगे सर, एक स्टेटमेंट लिख के आएंगे, कोई जनरल एंट्री पास नहीं होगा। आफ्टर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर फाइनल अकाउंट सिंगल साइडेड होगा तो सर जनरल एंट्री पास करेंगे सस्पेंस अकाउंट की मदद से। जनरल एंट्री पास करेंगे सर, जेई होगा इसमें, लेकिन किसकी अकाउंट की मदद से, सस्पेंस अकाउंट की मदद से। बात क्लियर सर, करके दिखाइए, चलो करते हैं। सेम गलती, सेल्स गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट, अगर ये गलती हम आफ्टर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर फाइनल अकाउंट पकड़ता तो हम क्या करते हैं, आफ्टर फाइनल अकाउंट में मैं गलत बात बता रहा है अभी आपको, आफ्टर फाइनल अकाउंट में गलत बात सिखा रहा है, बट पहले ये सीखो जो सिखा रहा है, फिर वो गलती सुधारना एक सेकंड का काम होगा आपके लिए खाली, बट पहले जो सिखा रहा है वो बेस समझो। सर गुड सोल्ड टू वाई ऑन क्रेडिट, वाई अकाउंट में ठीक लिखा मेरा अकाउंटेंट 50,000, लेकिन सेल्स अकाउंट में लिखना भूल गया, पहले वही लेते हैं, लिखना भूल गया, तीन एरर होता है ना सिंगल में, लिखना भूल गया, ज्यादा लिख दिया, कम लिख दिया या रॉन्ग साइड लिख दिया। तो बेटा जी वाई सेल्स अकाउंट में पहले थे लिखना भूल गया, सेल्स अकाउंट में लिखना भूल गया, और ये एंट्री कब पकड़े आप गलती सर, या तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर फाइनल अकाउंट, बिफोर पकड़े होते तो सर स्टेटमेंट लिख के आ जाते खाली, लेकिन आफ्टर पकड़े हैं तो स्टेटमेंट नहीं लिख सकते, जनरल एंट्री पास करना होगा। सेल्स अकाउंट को क्या होना था, सेल्स अकाउंट को क्या होना है, सेल्स अकाउंट क्या होना था इस एंट्री में, तुम्हारा अकाउंटेंट भूला, तुम अब क्रेडिट करो पहले तो, और डेबिट में क्या लिखोगे, सस्पेंस। हम यही समझाना चाहते हैं कि अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट या आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर गलती पकड़ में आए तो जनरल एंट्री तो पास करेंगे सर, सिंगल साइडेड में भी, किस अकाउंट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस। तो हम क्या बोला, तुम्हारा अकाउंटेंट क्रेडिट में लिखना भूल गया, तो सर अब हम क्या करें, यहाँ बाई सस्पेंस लिख के बता क्या लिख दो, तो हम सस्पेंस अकाउंट की मदद से जनरल एंट्री पास करेंगे, सिंगल साइडेड आफ्टर टीवी आफ्टर फाइनल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट की मदद से सॉल्व हो। क्लियर है बात, अभी प्रैक्टिस करेंगे इसको बहुत, आज सिंगल साइडेड ही प्रैक्टिस करेंगे, अभी डबल में नहीं घुसेंगे। सर पहला गलती हुआ कि लिखना भूला, अगर ज्यादा या कम लिख देता, चलो पहले वही लेते, सर तुम्हारा अकाउंट वाई अकाउंट में तो ठीक लिखा टू सेल्स, लेकिन सेल्स अकाउंट में क्या किया सर, यहाँ पर बाई सेल्स बाई फाइव लिखा, लेकिन 50,000 की जगह 45,000 लिखती, तुम्हारा अकाउंटेंट सेल्स अकाउंट को क्या किया है, 45,000 से क्रेडिट होना कितना से था, 50,000 से, कितना कम हो गया, तो अब उसको तुम क्रेडिट करो 5,000 से, और डेबिट क्या लिखोगे 5,000 से, सस्पेंस अकाउंट।
वैसे ही अगर हम बोलते तुम्हारा अकाउंटेंट 45,000 की जगह यहाँ पे लिख दिया 55,000, ज्यादा लिख दिया, क्रेडिट ज्यादा कर दिया, ठीक करने के लिए क्या करोगे सेल्स को? वेरी गुड, तुम एंट्री क्या पास करोगे? सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स को डेबिट कर रहे हो तुम रेक्टिफिकेशन में 5,000 से, और तू क्या करोगे बोलो? वेरी गुड। तो अब हम दो बहुत छोटा सा लाइन बोलते हैं, लिखना भूल गया, भूल गया, या कम लिख दिया, फॉरगॉटन और ओमिटेड और लेस रिटन। तो जहां जिस साइड में लिखना होता है उस साइड लिख दो, देन राइट इन करेक्ट साइड। या फिर अगर ज्यादा लिख दिया तो रिवर्स इट, जिधर जिस लेजर का बैलेंस होता है, कम लिख दिया या लिखना भूल गया तो उस लेजर के उसी साइड लिखो जिधर उसका नॉर्मली बैलेंस होता है। आई रिपीट, ज्यादा भूल गया या कम लिख दिया तो जिधर उसका नॉर्मल बैलेंस होता है उस लेजर का, उधर में लिख दो और दूसरा साइड सस्पेंस अकाउंट कर दो। और अगर ज्यादा लिख दिया तो रिवर्स कर दो, मतलब वो लेजर अगर नॉर्मली क्रेडिट होता है तो हम डेबिट कर देंगे, नॉर्मली डेबिट होता है तो हम क्रेडिट कर देंगे। सर एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मान लो यही तुम्हारा अकाउंटेंट सेल्स अकाउंट में तो ठीक किया, तुम्हारा अकाउंटेंट सेल्स अकाउंट में तो ठीक किया, यहाँ पे बाई बाई लिखा 50,000, लेकिन वाई अकाउंट में उसको 50,000 डेबिट करना था, वो गलती से 55,000 डेबिट कर दिया। तो वाई अकाउंट में 50,000 डेबिट होना चाहिए था, तुम्हारा अकाउंटेंट क्या किया, ज्यादा से डेबिट कर दिया, ज्यादा से डेबिट। तो हम क्या बोला था, गलती से अगर ज्यादा लिख दो तो जिधर उस अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस होता है उसके रिवर्स में लिख दो। तो वाई नॉर्मली एक डेटर है, डेटर डेटर एक एसेट होता है, एसेट का नॉर्मल बैलेंस किधर होता है, डेबिट साइड। एसेट और एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस किधर होता है, डेबिट साइड। लायबिलिटी और इनकम का नॉर्मल बैलेंस किधर होता है, क्रेडिट साइड। अब अगर भूल गए और कम लिख दिए एसेट या एक्सपेंस को तो डेबिट कर दो, और ज्यादा लिख दिए तो क्रेडिट कर दो। वैसे लायबिलिटी और इनकम को अगर भूल गए, लायबिलिटी का लेजर में लिखना या इनकम के लेजर में लिखना, भूल गए हैं कम लिख दिए तो क्रेडिट कर दो, ज्यादा लिख दिए तो डेबिट कर दो। ये बात क्लियर हुआ, जो बात अभी हम फटाफट में बोल गए, सबको ही बोलो इस बात पे आंसर, हाँ या ना। ये जो बात हम बोला अभी अभी कि अगर भूल गए हैं या कम लिख दिए तो अगर एसेट और एक्सपेंस का लेजर है तो डेबिट करो, सेम अगर भूल गए हैं या कम लिख दिए वो लायबिलिटी या इनकम का लेजर है तो क्रेडिट करो, और सर ज्यादा लिख दिए हैं गलती से तो सर जो डेबिट होता है, अगर ज्यादा लिख दिए तो क्रेडिट करो, और जो क्रेडिट होते हैं और ज्यादा लिख दिए तो डेबिट करो। ये बात सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो आपका रेक्टिफिकेशन चैप्टर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा टू लाइन फंडा है ये, मेरा टू लाइन फंडा है ये, कम लिख दिए हैं या भूल गए हैं तो जो लेजर का जिधर बैलेंस होना चाहिए उधर ही लिखो, ज्यादा लिख दिए हैं तो रिवर्स करो। ये बात एकदम क्लियर, तो चलो अब एंट्री आप करो, हम एक एंट्री देते हैं आपका, बताना हमको क्या होगा इफेक्ट।
और यही कंसेप्ट डबल डबल साइड एरर में भी काम आएगा। ये अगर टू लाइन कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आपको डबल साइडेड एरर भी आता है, तब आपको डबल साइडेड एरर में बहुत कुछ जोर नहीं आएगा, बहुत सिंपल होगा आपके लिए। चलो एक केस देते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड ₹5,000 रॉन्गली एंटर इन कैश अकाउंट ₹500। एक ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट किए हैं ₹5,000 का, मेरा अकाउंटेंट कैश अकाउंट में रॉन्गली लिख दिया ₹500, रॉन्गली डेबिटेड ₹500, रॉन्गली क्रेडिटेड ₹500। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कोई एरर है क्या? खाली कैश अकाउंट में है तो सिंगल की डबल, मतलब सिंगल साइड एरर की डबल साइड एरर, ठीक है, वेरी गुड। कैश अकाउंट में कहाँ लिखना था? कैश अकाउंट में क्रेडिट में लिखना था बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस ₹5,000, मेरा अकाउंटेंट कितना लिख दिया, तो कम लिख दिया। कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट होना था, मेरा अकाउंटेंट क्या कर दिया, कम क्रेडिट किया है, तो सब और क्रेडिट कीजिए उसको आप, मतलब टू कैश कीजिए आप, कितना रुपये से, हाँ, और डेबिट क्या लिखेंगे, वेरी गुड। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था ₹5,500 से, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है ₹500 से, मतलब कम लिख दिए, तो कैश को क्रेडिट कीजिए अब आप, जो करना भूल गए वो कीजिए। अगर हम तुमसे बोलते बेटा कि आज हम खाना नहीं खाएं, तुम उनको क्या सजेशन देते, आप खा लीजिए, ये बोलते ना। अगर हम तुमको बोलते आज हम कम खाना खाएं तो क्या सजेशन देते, और खा लीजिए। और अगर हम तुमको बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा खा लिए तो सर उल्टी कर दीजिए, मतलब उल्टा कर दीजिए, रिवर्स। तो देखो ये वाला बात अगर याद रहता है तो आपको रेक्टिफिकेशन आ जाएगा। कम खा लिए या नहीं खाए तो कर लो, मतलब जो काम नहीं किए हो तब कर लो, मतलब डेबिट नहीं किया तब डेबिट कर लो, क्रेडिट नहीं किया तब क्रेडिट कर लो, और ज़्यादा खा लिए तो उल्टी कर दो, मतलब रिवर्स कर दो। उल्टी कर देने से शांति मिलता है ना अंदर में, ओवर खा लेते हैं जब बहुत ज़्यादा, एक बार वोमिटिंग हो जाए तो शांति मिलता है। तो यानी क्या बोलोगे, उल्टी कर लीजिए, मतलब उल्टा कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए, रिवर्स ज़्यादा कर लिए, ठीक है। तो यही आपका सिंगल साइडेड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था। चलो एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस में। डबल का एग्जांपल है, ये देखो, करेक्ट द फॉलोइंग एरर लोकेटेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले पकड़ लिए थे, सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹100 शॉर्ट। सेल्स बुक को जब टोटल कर रहे थे ₹100 गलती से कम लिख दिए, टोटलिंग करते वक्त ₹100 कम लिख दिए। सिंगल की डबल, सिंगल, वेरी गुड, क्योंकि सर सेल्स बुक में खाली गलती हुआ। बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो जनरल एंट्री की स्टेटमेंट, तो देखो यहां पे वही किया,
बिकॉज सिंस सेल्स बुक कास्ट रुपीज 100 शॉर्ट, मतलब सेल्स बुक को 100 रुपया कम क्रेडिट किए, अब हम उसको 100 रुपया से क्रेडिट कर देंगे, बस हो गया, ये स्टेटमेंट लिख के आ गई। सर एग्जाम में आएगा क्या बिफोर ट्रायल बैलेंस? नहीं आएगा, वैसे भी आपके MCQ का पेपर है, तो ये ऐसे स्टेटमेंट दे के आपको देगा नहीं, हालांकि दे सकता है कि सर क्रेडिट करना था डेबिट कर दिए ऐसा कुछ बोल के, तो कौन सा 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक करने के लिए, रेक्टिफिकेशन क्या सही होगा? यहाँ पे यही तो हुआ, सेल्स बुक 100 रुपये कम लिखे, मतलब सेल्स बुक को 100 रुपये से कम क्रेडिट किए, अंडर कास्ट है अंडर कास्ट तो आप क्रेडिट कर लो, क्लियर? ये तो डबल एंट्री हो गया फिर। अच्छा यही अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर फाइनल अकाउंट होता तो क्या करते? सर सेल्स बुक में 100 रुपये कम क्रेडिट किए तो क्रेडिट करते, तो टू सेल्स अकाउंट लिखते, डेबिट क्या करते? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 100 रुपीज लिख देते, यही है सिंगल साइडेड एरर का टाइप, सिंगल साइडेड एकदम क्लियर है। और यही अगर बोल देते सेल्स बुक है टोटल 100 रुपीज एक्स्ट्रा, तो स्टेटमेंट में क्या लिख कर आते कि सेल्स अकाउंट में 100 रुपये ज़्यादा क्रेडिट कर दिए, तो नाउ वी शुड डेबिट इट, है ना? ठीक है। और यही अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता, सेल्स अकाउंट ज़्यादा लिख दिए, सेल्स अकाउंट नॉर्मली क्या होता है क्रेडिट, ज़्यादा लिख दिया तो उल्टी कर दो, मतलब डेबिट कर दो ठीक करने के लिए, सेल्स अकाउंट डेबिट 100 टू सस्पेंस, क्लियर है बात? यही है सस्पेंस सिंगल साइडेड एरर। हम अभी भी एक बात आपको बार बार बोलेंगे, आफ्टर फाइनल अकाउंट में हमको एक बात बोलना है, बट वो लास्ट में बोलेंगे जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब जब बेसिक पूरा आ जाएगा, खाली एक वर्ड चेंज करने बोलेंगे आपको, एक वर्ड, बाकी आफ्टर फाइनल अकाउंट में कुछ नहीं है। अगर आपको आफ्टर ट्रायल बैलेंस आ गया तो आफ्टर फाइनल अकाउंट में कुछ नहीं है, बस खाली एक वर्ड चेंज करना है, बाकी सब कुछ वही है। तो पहले बेसिक लॉजिक सीखो, फिर वो वर्ड चेंज करना सिखाएंगे। सर अब आ जाइए डबल साइडेड एरर पे, डबल साइडेड सिंगल साइडेड एरर का कुछ सम करवाइए, कराएंगे पहले तीनों सारा सिस्टम सीख ले, फिर डबल साइडेड एरर का कहानी क्या होगा, चाहे वो आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो, चाहे वो आफ्टर फाइनल अकाउंट हो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो, चाहे वो आफ्टर फाइनल अकाउंट, तीनों को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, एक वर्किंग बनाना पड़ेगा, वहां से जनरल एंट्री निकलेगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री वहां से निकलेगा, एक वर्किंग बनाना पड़ेगा। बिफोर ट्रायल बैलेंस डबल साइडेड एरर हो, आफ्टर ट्रायल बैलेंस डबल साइडेड एरर हो, या आफ्टर फाइनल अकाउंट डबल साइडेड एरर हो, आपको एक वर्किंग बनाना पड़ेगा, रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री, रॉन्ग करेक्ट और रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, रॉन्ग करेक्ट और रेक्टिफिकेशन, और यही आपका आंसर होगा अल्टीमेटली, ये जो रेक्टिफिकेशन एंट्री निकलेगा वो आपका आंसर होगा इस चैप्टर के हिसाब से। सर क्या है वो एंट्री का? पहले बात ये समझो, डबल साइड एरर कितना टाइप का हो सकता है? सर पहला, दो लेजर में लिखना भूल गए, टू लेजर में ओमिशन, मतलब एग्जांपल यही वाला एंट्री अगर हम बात करें, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स था, न वाई के लेजर में लिखे न सेल्स के लेजर में लिखे, पूरा का पूरा एंट्री छोड़ दिया, ये डबल साइड एरर है कि नहीं? दूसरा टाइप का गलती, सर माल बेचे थे वाई को, गलती से एक्स में एंट्री होगी,
वाई टू सेल्स था, लेकिन मेरा अकाउंटेंट सेल्स में एंट्री किया एकदम सही वाई वाई लिख के, लेकिन वाई के लेजर में लिखना भूल गया और एक्स के लेजर में गलती से लिख दिया। डबल एरर है कि सिंगल एरर है? डबल सर, दो लेजर गलती हो गया आपका। वाई का लेजर में लिखना भूल गया वो भी एक एरर है, और एक्स के लेजर में लिख दिया वो भी एक एरर है। तो टू लेजर में ओमिशन हो गया या रॉन्गली एंटर्ड इन अदर लेजर। ठीक बात। तो यही आपका डबल साइडेड एरर होगा, दो लेजर में मिस्टेक हो गया या रॉन्गली दो लेजर में ओमिश कर दिया, या फिर सर ठीक है यही मेनली होगा। ठीक है यही है। चलो आप यहाँ पे सम को देखते हैं, समझ में आएगा। ये वाला जो कर रहे थे सम इसी को देखते हैं। ये देखो क्या लिखा है, गुड्स वर्थ रुपीज 150 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। 150 रुपया का गुड्स रिटर्न किया है ग्रीन एंड कंपनी हमको, मतलब ये सेल्स रिटर्न है, बेचा हुआ माल वापस आ गया। नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर मतलब डबल एरर की सिंगल एरर। डबल, तो अब क्या करोगे, सजेशन क्या दोगे? सर करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। रॉन्ग क्या हुआ है सर? एंट्री हुआ ही नहीं है मुझे। करेक्ट होता क्या सर? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी है ना, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट जो भी बोल दो। तो अब देखो रेक्टिफाई कैसे होता है, ये ट्रिक पकड़ लेना मेरे लैंग्वेज का, आप सारा डबल साइडेड एंट्री सॉल्व कर लोगे। सेल्स रिटर्न को क्या होना था डेबिट? तुम्हारा अकाउंटेंट किया है क्या? तो अब कर लो। जब हम कुछ बोलते हैं ना कोई काम नहीं किया तो क्या सजेशन दोगे? अब कर लो, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर लो। ग्रीन एंड कंपनी को क्रेडिट होना था, तुम्हारा अकाउंटेंट क्रेडिट किया है क्या? तो अब कर लो, टू ग्रीन एंड कंपनी सर सेल्स रिटर्न टू ग्रीन एंड कंपनी मेरा रेक्टिफिकेशन एंट्री होता है। ये देखो रिटर्न इनवर्ट टू ग्रीन एंड कंपनी। अब आता है मजेदार, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स हैज बीन एंटर्ड इन परचेज डेबो। बेटा जी फर्नीचर खरीदते हो तो एंट्री क्या करते हो? करेक्ट एंट्री क्या होता है? बोलो, फर्नीचर खरीदते हो तो करेक्ट एंट्री क्या होता है? वेरी गुड, फर्नीचर टू गुलाब एंड कंपनी या कैश जो भी बोलो। अगर उधार में ले रहे हैं तो सर गुलाब एंड कंपनी, और अगर पैसा दे के ले रहे हैं तो टू कैश। तुम्हारा अकाउंटेंट लेकिन कहाँ डाल दिया उसको? परचेज अकाउंट, मतलब वो क्या कर दिया? रॉन्ग एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या गुलाब एंड कंपनी। करेक्ट होना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, वो कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट। सर क्रेडिट पे एरर हुआ है, नहीं कैसे जज किए? बेटा एरर को कभी जज मत करना, एज्यूम नहीं करना ये एरर हुआ है कि नहीं। क्वेश्चन साइलेंट है मतलब क्रेडिट ठीक ही हुआ हो। ठीक है, तो अब आ जाओ रेक्टिफिकेशन पे, कैसे करेंगे? देखो अगेन मेरा वही लैंग्वेज जो अभी ऊपर किए थे, परचेज अकाउंट को क्या होना था, सॉरी करेक्ट एंट्री में था, फर्नीचर अकाउंट को क्या होना था? तुम्हारा अकाउंटेंट किया है क्या? तब कर लो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। गुलाब एंड गुलाब या कैश को क्या होना था? तुम्हारा अकाउंटेंट किया है क्या? हाँ, रॉन्ग एंट्री में वो क्या किया? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू गुलाब एंड कंपनी।
वो फर्नीचर की जगह गुड समझ के परचेज में एंट्री कर लिया, क्रेडिट में मिस्टेक बोला है क्या क्वेश्चन? तो गलती को एज्यूम मत करो, गलतियां एज्यूम नहीं करते कि अच्छा ये भी मिस्टेक हुआ होगा। तुमको गुलाब कंपनी या कैश को ये चीज को क्रेडिट करना था, मानेंगे अकाउंटेंट किया ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन उस पर कुछ बोला नहीं है वहां एरर हुआ है कि नहीं। तो गुलाब एंड कंपनी या कैश को क्रेडिट होना था, तुम्हारा अकाउंटेंट किया है कि नहीं? हाँ किया होगा, तो गलती नहीं है, उसको सुधारना भी नहीं। तो देखो, हम फर्नीचर को पकड़ा, हम गुलाब एंड कंपनी को पकड़ा, अब बचा कौन सा? परचेज। परचेज को तुम्हारा अकाउंटेंट क्या कर दिया है? करना था क्या? तो उल्टा कर दो, तो गलती को सुधारने के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आ गया? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, हो गया, गलती सुधर गया। ये देखो, फर्नीचर टू परचेज, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन करने का ये ट्रिक पकड़ो, पहले रॉन्ग और करेक्ट लिख लो, गलती क्या हुआ है और करेक्ट क्या होना था। अब पहले करेक्ट को पकड़ो और देखो, जो डेबिट होना था वो डेबिट हुआ है क्या? नहीं हुआ है तो तुम कर लो। जो क्रेडिट होना था वो क्रेडिट हुआ है क्या? अगर नहीं हुआ है तो तुम कर लो, और हुआ है तो कुछ मत करो। फिर आओ रॉन्ग एंट्री पे, तो गलती से परचेज डेबिट हो गया, डेबिट होना था क्या? नहीं, तो क्रेडिट करो। और सर, कैश या फिर गुलाब एंड कंपनी क्रेडिट किया है और क्रेडिट होना था, तो उसको मत सुधारो। जो गलती नहीं है उसको मत सुधारो, और जो गलती है उसको सुधार दो। सुधारने का तरीका वही दो लाइन सर, करना भूल गए हैं या कम लिख दिए हैं तो अब लिख लो, और ज़्यादा लिख दिया या उल्टा साइड में लिख दिए तो रिवर्स कर दो। यहाँ परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है ना गलती से, करना तो था नहीं, तो रिवर्स करो सुधारने के लिए। बात क्लियर है? प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा एंट्री तो हो जाएगा और क्लियर, लेकिन कंसेप्ट यही है बेटा, इतना ही है रेक्टिफिकेशन चैप्टर, चैप्टर खत्म है मोटा मोटी। अब खाली क्या हुआ, नहीं होना था, हो गया, वो जजमेंटल प्रैक्टिस करनी है। लॉजिक इतना ही है, चैप्टर खत्म है। खाली एक बात एक्स्ट्रा जो बताना है वो है सर आपको, कि आफ्टर फाइनल अकाउंट वो एक वर्ड क्या चेंज होगा, वो बात में करेंगे। चलो यहाँ पे आखिरी एंट्री दिया वो भी देखें। डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन एंड कंपनी 18 रुपया हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, द अकाउंट ऑफ जी मोहन एंड कंपनी हैज नॉट बीन करेक्टली पोस्टेड। सिंगल एरर की डबल एरर? वेरी गुड, क्योंकि सर खाली डिस्काउंट कॉलम में गलती की है, जी मोहन एंड कंपनी में कोई गलती नहीं की है। एंट्री होता क्या करे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जी मोहन एंड कंपनी ना, जन एंट्री यही होता, डिस्काउंट अलाउड मेरा खर्चा है, डेबिट होना था, और जी मोहन एंड कंपनी क्रेडिट होना था, उसको डिस्काउंट मिला। सर मेरा अकाउंटेंट जी मोहन में सब कुछ ठीक किया है, वो डिस्काउंट अलाउड में लिखना भूल गया, सिंगल साइडेड एरर है सर। तो सर अब क्या होता, सर लिखना भूल गया तो आप लिख लीजिए, अगर ये आफ्टर टीबी और आफ्टर फाइनल अकाउंट है तो, और टू सस्पेंस कर दीजिए। लेकिन अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस है, जो क्वेश्चन में ऊपर बोला भी है सर, ये तो बिफोर ट्रायल बैलेंस का सम था, तो जनरल एंट्री नहीं होगा सर, खाली एक स्टेटमेंट लिख के आएंगे। ये देखो, डिस्काउंट अकाउंट हैव बीन डेबिटेड बाय इन शॉर्ट या अंडर कास्ट, सो वी शुड डेबिट इट नाउ, हो गया, हम लोग डेबिट कर लेंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन और करते हैं। मिस्टर ए क्लोज हिज बुक्स ऑन अकाउंट September 30, 2021 इन स्पाइट ऑफ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था, फिर भी वो अकाउंट्स को बंद कर दिया, या यू मान लो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद गलती मिला। सर ये तो आफ्टर फाइनल अकाउंट का सम लग रहा है। हाँ है आफ्टर फाइनल अकाउंट का सम, बट अभी फाइनल अकाउंट वाला बात आपको पढ़ाई नहीं है हम, एक बार इसको आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला ही मानो। ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये गलतियां पकड़ी गई है, एक बार यही मानो, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये गलतियां पकड़ी गई है। चलो सॉल्व करते हैं।
ए सेल रुपीज 2300 टू मिस्टर लाला, मिस्टर ए जो है 2300 रुपया का सामान मिस्टर लाला को बेचा, जो मिस्टर लाला के क्रेडिट में लिख दिया था। मिस्टर लाला के लिखना कहाँ था, करेक्ट एंट्री होता तो क्या होता, लाला टू सेल्स है ना, करेक्ट एंट्री होता तो यही होता ना, मिस्टर ए लाला को 2300 रुपया का सामान बेचा है, तो लाला को क्या करना था, तुम्हारे अकाउंटेंट क्या किए, लाला पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ मिस्टर लाला, तुम्हारे अकाउंटेंट क्या किए, लाला के क्रेडिट में लिख दी। तो सिंगल एरर की डबल एरर, हाँ यहाँ पर सेल अकाउंट में गलती हो गया मत सोचना, वो लाला को क्रेडिट किया है तो सेल्स अकाउंट को तो पक्का डेबिट कर दिया होगा बेटा जी, एरर एज्यूम नहीं करते, क्वेश्चन जो बोला है गलती उतना ही मानते हैं, बाकी मान लेते। अच्छा नाम में मिस्टेक है यहाँ पे और अमाउंट का भी गलती है, अरे बाबा डबल साइडेड एरर है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा पकड़े हो, कीप इट अप सर। लाला अकाउंट में आपको डेबिट करना था और आपका अकाउंटेंट माला अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मतलब एक तो लाला में लिखना भूला और एक माला में भी गलत साइड में लिख दिया है ना। तो सर डबल साइडेड मिल गया ये तो, चलो ठीक है। तो सर जी मेरा रॉन्ग क्या हो गया, मेरा माला अकाउंट क्रेडिट हो गया। करेक्ट क्या होता सर, मेरा लाला टू सेल्स क्रेडिट करेक्ट होता। आज और रेक्टिफिकेशन भी, लाला को क्या करना था डेबिट, तुम्हारा अकाउंटेंट किया है क्या, तो कर दो तुम। सेल्स को तुम मानो वो ठीक ही किया होगा, सेल्स अकाउंट में कोई ब्लंडर नहीं होगा, गलती वो क्या किया है सर, वो माला अकाउंट को क्या कर दिया है, तो अब तुम क्या करोगे ठीक करने के लिए। वेरी गुड, तो सर माला भी डेबिट होगा। सर ये कैसा एंट्री बना, तू क्या लिखे, हाँ वेरी गुड, अब तुम सीख गए हो। तो लाला अकाउंट डेबिट, माला अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, यानी सर डबल एरर में भी सस्पेंस आ सकता है। देखो जी रेक्टिफिकेशन में जब डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो रहा हो सस्पेंस का यूज करना ही करना है, फिर चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो, बात क्लियर है। चलो ठीक है नेक्स्ट एंट्री करते हैं। तो देख लो पहले इसका आंसर, ये देखो माला अकाउंट डेबिट, लाला अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 2300 रुपये। चलिए सर नेक्स्ट एंट्री कराइए। टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक 1240 वाज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। पिछला साल के एंडिंग में जब बैलेंस सीडी कर रहे थे 1240 रिटर्न इनवर्ड बुक में, इस साल लिखना भूल गए, रिटर्न इनवर्ड बुक में 1240 लिखना भूल गए, डबल एरर की सिंगल एरर। बोलिए रिटर्न इनवर्ड बुक में, हाँ सिंगल एरर से खाली रिटर्न इनवर्ड बुक में लिखना भूल गए। तो रिटर्न इनवर्ड बुक क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, वेरी गुड, अब डेबिट करना भूल गए तो आप डेबिट कर लीजिए, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू, तो क्या करें, वेरी गुड हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखा, आप एक बार रिटर्न इनवर्ड ही सीखो, वही तो सिखाना है आपको, आफ्टर फाइनल अकाउंट में वो नाम कैसे बदलता है, बस नाम ही बदलना सिखाना और कुछ नहीं सिखाना, लॉजिक यही रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, आफ्टर फाइनल अकाउंट आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर ये एरर होता तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ,
फ्रेट पेड ऑन मशीन, बस पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट। एसेट खरीद के लाते वक्त कोई अगर खर्चा होता है तो उसको एसेट अकाउंट में डालते हैं ना, सीखिए ना ये जनरल एंट्री करते वक्त। कोई मशीन खरीदते वक्त अगर मशीन को लाना या लगाने का कोई खर्चा करें, कोई सेकेंड हैंड एसेट खरीदते वक्त रिपेयरिंग करें, या कोई एग्जिस्टिंग एसेट का लाइफ या कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई खर्चा करें तो वो अलग से एक्सपेंसेस की तरह नहीं लिखा जाता, उसको एसेट अकाउंट में डाल देते। तो तुमको क्या करना था, करेक्ट एंट्री क्या होना था, ये पहला बात तो डबल एरर है कि सिंगल एरर है। हाँ, क्योंकि डालना था मशीन अकाउंट में, तुम्हारा अकाउंटेंट डाल दिया है फ्रेट अकाउंट में। करेक्ट एंट्री होता मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तुम्हारा अकाउंटेंट क्या किया, उसको लगा खर्चा है, भाड़ा लगा है, तो वो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, जबकि तुम जानते थे एसेट खरीद के लाते वक्त कोई खर्चा हो उसको एसेट अकाउंट में डालते हैं। अमाउंट भी गलती किया है सर, तो मशीन अकाउंट डेबिट होना था 5600 रुपया से, वो फ्रेट अकाउंट को कितना तक कर दिया है 6500 रुपया से। कैश में कोई एरर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, सर नहीं मानेंगे। हाँ, एज्यूम नहीं कर सकते सर एरर को। तो सर आ जाओ रेक्टिफिकेशन पे, मशीन अकाउंट कितना रुपया से डेबिट होना था, किया है क्या तुम्हारा अकाउंटेंट, तो क्या करोगे अब, कर लो मशीन अकाउंट डेबिट 5600। कैश अकाउंट को क्या करना था, क्रेडिट 5600 से, तुम्हारा अकाउंटेंट किया है क्या, सर मानेंगे किया ही होगा, क्वेश्चन साइलेंट है तो गलती अज्यूम नहीं करेंगे, मान लेंगे किया ही होगा। फ्रेट अकाउंट क्या किया है तुम्हारा अकाउंटेंट, डेबिट किया है 6500 से, होना था क्या डेबिट, क्या करोगे गलती सुधारने के लिए उसका, टू फ्रेट 6500, बहुत सारे मैथ नहीं हो रहा सर, 900 रुपया से डेबिट कम पड़ रहा है, 900 रुपया से क्या करें, बोलो डेबिट कम पड़ रहा है 900 रुपया से क्या करें, सस्पेंस, अभी तो शिकायत है बेटा, बहुत डेबिट क्रेडिट का टोटलिंग अगर मैच नहीं हो रहा हो तो सस्पेंस को यूज करने में से रुको मत। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, टू फ्रेट, ठीक है। बाकी लोग जा रहा दिमाग में, चलो ठीक है, ये देखो ये लोग भी वही किया, मशीन अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, बस अब ये नामकरण तो तुम अभी सीखे नहीं हो इसलिए यहाँ पे फ्रेट अकाउंट हो। चलो नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ, वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ परचेज अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज 65590 वॉज रिटर्न इंस्टीड ऑफ 56950। कैरी फॉरवर्ड करना था 56950, मेरा अकाउंटेंट क्या लिख दिया 65590, परचेज अकाउंट का बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हो, ज़्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया, लिखना था 56950, लिख दिया 65590, ज़्यादा लिख दिया, कितना रुपया से 65590 माइनस 56950 सर 8640 रुपया, वो परचेज अकाउंट में ज़्यादा लिख दिया, यही हुआ एरर। तो सिंगल एरर है क्योंकि खाली परचेज अकाउंट में गड़बड़ बता रहे हैं, तो परचेज अकाउंट में ज़्यादा लिख दिया, ठीक करने के लिए क्या करें सर, परचेज को क्रेडिट कीजिए, क्योंकि परचेज जनरली डेबिट होता है, ज़्यादा लिख दिए तो उल्टा कीजिए, और डेबिट किसको लिखें,
सस्पेंस है वहां, ये देखो सस्पेंस टू, यहाँ पे परचेज वर्ड होगा, लेकिन तुम अभी आफ्टर फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ो, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 8,640, क्लियर है? सर आखिरी एंट्री आज के लिए, अ सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मेहता ₹9,000 वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक एट ऑल। एक मशीन बेची है 9,000 रुपया का मेहता को, उसको एंट्री किए ही नहीं। मशीन का बुक वैल्यू 7,500 रुपये है और उसका डिप्रिसिएशन 10% करके होता है। साढ़े सात हजार का मशीन मिस्टर मेहता को कितने में बेच दिए? नौ हजार में। पहले से 7,500 का डिप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 7,500 का 10%, 750, 7,500 में से 750 माइनस करो, ओरिजिनल बुक वैल्यू आ जाएगा आज के दिन। एसेट डिप्रिसिएशन एसेट का वैल्यू कम करता है, तुम कम करो, क्योंकि तुम्हारा अकाउंटेंट क्या किया है, 9,000 में बेचा उसको, कितना का मशीन 9,000 में बिका है? 7,500 का नहीं बेटा, डिप्रिसिएशन माइनस होने के बाद जो फिगर आए उतना का, मतलब सर 6,750 का मशीन मेरा अकाउंटेंट 9,000 रुपये में बेचा, 6,750 का मशीन मेरा अकाउंटेंट 9,000 में बेचा और बुक में इसका एंट्री ही नहीं हुआ, बुक में इसका एंट्री ही नहीं हुआ। तुम्हारा सजेशन क्या होगा? एंट्री नहीं हुआ है तो अब कर लीजिए, एंट्री होगा क्या? सर पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आ रहा है? 9,000। मशीन जा रहा है तो टू मशीन, कितना का मशीन गया? 6,750 का। तुमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तो प्रॉफिट में टू क्लियर, कितना का प्रॉफिट हुआ? 9,000 माइनस 6,750, 2,250। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन टू क्लियर, ये एंट्री होना है। तुम्हारा अकाउंटेंट करना ही भूल गया तो कर लो सर, बात क्लियर? अब सर वो आखिरी बात भी बताई दीजिए, आज पूरा चैप्टर डन हो जाएगा, फिर खाली प्रैक्टिस ही रहेगा। अगर आफ्टर फाइनल अकाउंट गलती पकड़ा जाए तो सर क्या डिफरेंस होगा बिफोर फाइनल अकाउंट से? आप तो मोटा मोटी सेम ही बता दिए, 99.99% सब कुछ सेम है, करने का तरीका पूरा सेम है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक पूरा सेम है, तो डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस ये है बेटा कि बिफोर फाइनल अकाउंट में जो आइटम का जो नाम था तुम वही लिख रहे थे, अगर वो फ्रेट है तो तुम फ्रेट ही लिख रहे थे, अगर वो मशीन है तो तुम मशीन ही लिख रहे थे, अगर वो कैश है तुम कैश ही लिख रहे थे, अगर वो परचेज है तुम परचेज ही लिख रहे थे, अगर वो सेल है तुम सेल ही लिख रहे थे, अगर वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तुम ट्रैवलिंग एक्सपेंस ही लिख रहे थे, अगर वो लाइफ क्रेडिटर है तो तुम क्रेडिटर ही लिख रहे थे। लेकिन आफ्टर फाइनल अकाउंट बनने के बाद अगर गलती पकड़ा गया है तो जो आइटम ट्रेडिंग एंड पीएल वाला है, जैसे फ्रेट ट्रेडिंग पीएल में जाता है, परचेज सेल ट्रेवलिंग एक्सपेंस ये सब कहाँ जाता है? ट्रेडिंग पीएल में, जबकि मशीन कैश डेटर क्रेडिटर ये सब कहाँ जाता है? बैलेंस शीट वाला आइटम का नाम बदलने का जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग पीएल में जाने वाला आइटम के नाम की जगह बस लिख दो पीएल एडजस्टमेंट है, यही डिफरेंस है आफ्टर फाइनल अकाउंट और बिफोर फाइनल अकाउंट में। बिफोर फाइनल अकाउंट में इनका नाम ही लिख रहे थे सर, आप देख लो, अब आप जहां जहां काटा उस पार्ट को समझो, यहां पे हम क्या लिखा था? रिटर्न इनवर्ड कहां लिखते हैं? ट्रेडिंग पीएल की बैलेंस शीट। सेल्स रिटर्न कहां लिखते हैं सर? ट्रेडिंग में सेल्स से माइनस करते हैं ना, तो देखो उसकी जगह क्या वर्ड लिखा खाली, क्योंकि आफ्टर फाइनल अकाउंट था तो पीएल एडजस्टमेंट लिख दिया।
वैसे ही फ्रेट कहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग में, देखो वहाँ पे क्या लिख दिया फ्रेट की जगह, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में। देखो मशीन को नहीं छुआ, देखो मिस्टर लाला इनको नहीं छुआ, लाला माला को, क्योंकि ये लोग डेटा क्रेडिटर है, बैलेंस शीट में जाता है। लेकिन जहाँ रिटर्न इनवर्ड है उसको चेंज कर दिया, जहाँ फ्रेट था उसको पी एल एडजस्टमेंट लिख दिया। देखो यहाँ पर भी हम परचेज अकाउंट लिखवाया था तुमसे, लेकिन परचेज तो ट्रेडिंग में आता है, तो उसके लिए क्या लिख दिया पी एल एडजस्टमेंट। यहाँ भी देखो प्रॉफिट एंड लॉस को पी एल एडजस्टमेंट बड़ी यूज कर दिया। बस यही फर्क है बिफोर और आफ्टर फाइनल अकाउंट। बिफोर फाइनल अकाउंट में जो नाम है वही लिख देते हैं, आफ्टर फाइनल अकाउंट में सर ट्रेडिंग पी एल का आइटम का कोई नाम है और रेक्टिफिकेशन एंट्री में उसको हटा के पी एल एडजस्टमेंट वर्ड लिख देते हैं बस, और कोई डिफरेंस नहीं। बात क्लियर है? अब आप इस बुक का 36 नंबर, इस बुक का 37 नंबर, 38, 39, 40, 41, 42, 42 तक, यानी कितना संबंध है, 6 सम्स, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 6 सम्स बन रहे हैं। ये 6 सम को प्रैक्टिस करो। मेरा जो हम वो जर्नल वाला पीडीएफ दिया है उसमें देखोगे लास्ट का जो क्वेश्चंस है, एक बार स्क्रीन पे ला रहे हैं उनको उसका नोट सम। एक मिनट रुको।